चले अब ये बताएं कि ग्रेट न्यू से क्या हुआ। अब पेज को क्या कहते हैं इसकी लैंग्वेज में? फोटोशॉप। फोटोशॉप में क्या कहते हैं उस पेज को जो खुला है, ये जैसे ये खुला है, कैनवस कहते हैं। अगर चलो ग्रेट न्यूज़ से कैनवस नया खुलेगा तो ओपन से क्या होगा? जो आपने डेस्कटॉप वगैरह पे रखी होंगी वो खुलेंगे। अब ये किसका साइज है? 1080 by 1080, ये वाली चीजें पता है आपको? ये 1080 by 1080 है इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज। अगर रेजुलेशंस के बारे में बताएं, लेकिन अगर हमने प्रिंट के लिए यूज करनी हो तो कौन सी करें, 72 या फिर 150 या 300? थ्री हंड्रेड वैसे अगर आप रखेंगे ज्यादा बेहतर है। आप ठीक है, आपने 300 ही रखनी है, लेकिन 72 होगा आपका डिजिटल की। अगर आप 72 प्रिंट करवाते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाएंगे। 150 में आपके थोड़े बहुत पड़ेंगे, 300 मैक्सिमम है सबके लिए, इसलिए हम सारे यही रखते हैं। और ये RGB और CMYK के जो दो मेन है, RGB की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, और ये जो CMYK है, ब्लैक। RGB किस लिए यूज होता है? नहीं, RGB मतलब के क्यों रखते हैं कलर मोड, क्यों रखा है RGB और CMYK के? RGB होता है स्क्रीन के लिए, CMYK के होता है प्रिंट के लिए। अब मैंने RGB खोलूंगा तो जो उसके कलर्स हैं वो सही नजर आएंगे। अब मैं CMYK के में खोलूंगा तो उसके कुछ कलर्स हैं ना वो डल नजर आएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड है, ब्लैक रख लें या बैकग्राउंड कलर को चूज कर लें या ट्रांसपेरेंट रख लें। यहाँ पे आप नाम चेंज कर लें या सेव कर लें। जब आपने बना ली हो कोई चीज तो उसके बाद आप सेव करते हुए नाम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे पिक्चर आ गया, फॉर्म लास्ट थी। ठीक है, अब आपको इसमें से कौन से टूल आते हैं कौन से नहीं आते, या कोई भी नहीं आता? मार्की टूल है कहाँ? ये वाला है। और किसके बारे में बता? अब ये क्विक सिलेक्शन में आपका ये होगा कि जो उसको जो सिमिलर कलर नजर आ रहे होंगे, एक तो ऐसे सिलेक्ट हो सकता है ड्रैग करके, जैसे ड्रैग करके हो जाएगा, या तो फिर जो आपने ये करना है कि मैजिक वॉन्ड है, आप इस पे एक क्लिक पे कर लेंगे ये। अब आप चाह रहे हैं कि इसके जो सिमिलर कलर है जैसे कि ये वगैरह, ये हमें खुद ऐसे ना ना करने पड़े एक बारी में। ऐसे अगर हम करेंगे शिफ्ट के साथ दबा के, जो ऐड सिलेक्शन करनी है वो करेंगे शिफ्ट के साथ। अगर इसको माइनस करना है सिलेक्शन को निकालना है तो ऑल्ट के साथ करेंगे। सेम सिस्टम है वो मैजिक वॉन्ड के साथ है, क्विक सिलेक्शन के साथ है कि हमने अगर ये पार्ट में रिमूव करना है तो हम माइनस ऑल्ट दबा के तो जैसे कर लेंगे, या ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हम यहाँ हम चाह रहे हैं कि इसी के जो सिमिलर कलर है वो भी ये सिलेक्ट कर ले। हम राइट क्लिक करेंगे और सिमिलर में चला जाएंगे। अब वो जो उसके सिमिलर कलर थे उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बताता हूँ। अब जैसे कि अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे, अब मुझे चाहिए कि मुझे लोगों इधर से निकालना है। अब हम कंट्रोल जे कर लेंगे,
अब क्या हुआ ऐसे, ये जो हमने चीज सिलेक्ट की हुई थी वो अलग लेयर पे आ गई है, एक हमारे पास कंपोनेंट नया बन गया। अब हम इसको हाइड कर लेंगे, ये चीज हमारे पास अलग से पड़ गई, डुप्लीकेट होती है लेयर। फिर तूने ला दिया चार्जर, फिर तू कहता बंदू तूने ही है, सॉरी चार्जर हिला हुआ अभी तक। हाँ अब लगा है। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा है कम यहाँ से हम मतलब कि लेयर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तीसरा मैं कंट्रोल जे दबा रहा हूँ, ये सारी डुप्लीकेट हो, या तो हम ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसने पकड़ा, पकड़ के था, इन्हें कर लिए डुप्लीकेट हो गई। अब ये जो है कि आप देख रहे हैं कि अब उसका साइज बड़ा कैसे करना, यहाँ पे कोई हैंडल ज्यादातर कंफ्यूज है कि इन्हें हैंडल तो आ ही नहीं रहे। आपने कंट्रोल टी दबाना ट्रांसफॉर्म के लिए, फिर हैंडल्स आएंगे। यानी पैनल हाइड नहीं होता इसका वाला, मिनिमाइज कर ठीक है। यार मेरी तबीयत खराब है इसलिए घुमा हुआ अभी तक मैं ना, कि मुझे समझ आ गया आप लोग की हंसी से, इसलिए मैं चुप हूँ। अभी मैं शरीफ बना हूँ, शरीफ बना रहे ना मुझे, मैं अगर इधर उधर निकल गया फिर ये जो है ना अ मैजिक वॉन्ड, आपके पास बहुत कलर रहे हैं इसलिए आप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रेड, मैं अब ये सिलेक्शन से बाहर क्यों हो गया कि हमने लेयर वो वाली सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है। अब उसको नजर आ रहा है कि सारा जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उधर कोई चीज नहीं है, तो उसके बाहर के सारे उसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैं नीचे वाली लेयर हाइड कर देता हूँ, ये चीज हुई। अब कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये ज्यादातर होता है कि आपको पता नहीं लगता आप किस लेयर में है, तो आप इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे ये चीज उठानी थी, ये वाली जो थी, अब मैंने बाहर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस लेयर में जाऊंगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें रेड चाहिए सारा बाहर, तो हम यहाँ से वही कर लेंगे सिमिलर वाला सीन, फिर हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ये भी अलग लेयर पे आ गई। हमें तीनों लग अच्छा आप बस वो डुप्लीकेट हो जाता उसका, जो आपने चीज चीज सिलेक्ट किया। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि वाइट जो है जिसमें इधर नजर आ रहा है सारा गायब हो जाए, वह तो मैं सिमिलर कर दूंगा, वो अंदर अंदर में जो होगा सारा वाइट वो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए ना, अब मैं वाइट मुझे चाहिए ना, पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जो इनके अंदर अंदर वाइट जो रह गया है वो भी सिलेक्ट हो। अब मैं वाइट का ही सिमिलर करूंगा, क्योंकि इधर सारा वाइट है। अब मैं सिमिलर करके वो वाइट सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ पे भी है। अब यहाँ से या तो हम पहले हम इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, फिर इसको वाइट करते हैं, फिर इसे सिमिलर करके फिर हम इसे डिलीट कर देंगे, फिर वो बैकग्राउंड उसका डिलीट हो गया। अब हम कोई भी पीछे से बैकग्राउंड नया ले सकते हैं, जैसे कि हम ये लेयर ने न्यू लेयर ले लिया। अब यहाँ से हम इसका कलर सिलेक्ट करते हैं रेड, या अब हमने लाना फोरग्राउंड, तो ऑल्ट और डिलीट या बैक स्पेस को दबा दें। ये बैकग्राउंड लाना है तो फिर ऐसे कर लो, ये फोरग्राउंड कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अब इनको स्वाप कर लेंगे एक्स से, या इधर से आप कर लें, और क्रॉप टूल पहले हम सब कुछ डिलीट कर लेते हैं। देख नहीं आ रहा आपके लिए, जब मैं काम करता था ना तो मैं काम करता था, तो मैं ज्यादा देर में आप दोनों क्यों नहीं करने का। देखिए आप क्रॉप टूल इजी है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। जैसे कि यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल्स देखा होगा आपने,
ये नहीं देखा, जीएफएम एंटोर देखा हमने, देखा उसमें ये सुना बताया, नहीं वो उसके ट्यूटोरियल नहीं देखे आप, होगा? फिर ठीक है फिर समझ आती है। फिर ये होता है कि आपने जो क्रॉप किया है, जैसे कि ये मैंने क्रॉप किया है, अगर तो मैं इसको चेक कर लूँ तो जितना मैंने ये पाए वाला हिस्सा है ना वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। अगर मैं ना करूँ तो अगर हमें ये चीज़ दोबारा चाहिए हो तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए ऊपर वाला पार्ट तो मैं इसको वापस ले आऊँगा। अगर मैं ऐसे ना करूँ, हम यहाँ से डिलीट कर दें, फिर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। हमें एक और इमेज अब इमेज अगर आपने खोलनी हो मैं तो आप कंट्रोल ओ कर लें, या आप यहाँ पे फाइल में जाके ओपन एज डाउनलोड नहीं हो। क्या हाँ कहा जा सकता है। अभी कंटेंट वेयर का सीन के अगर हम चाह रहे हैं कि पिक्चर हमें थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा करेंगे तो वो गांधी मारेगा, समझे? वहां पे इसका सिमिलर जो पार्ट उससे दिखता होगा वो यहाँ पे पेश करेगा जो उससे मर्ज हो जाए। यार एक मैं ना क्या कहते हैं कवर पे कंफ्यूज हूँ, ठीक है वो जरा मुझे बताएं कैसा है। वो वैसे मैं कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आपको फ्री में यूडीबी से मिल जाएंगे यार यहाँ भी आप। मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं सही वाला हूँ। पहले तो मैंने गंद मारे, मुझे पता है जी, वो तो पहले है वो अच्छा, उसने सही कर दिया है। एम करते हैं, अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सिमिलर है। अब उसने कोई सिमिलर पार्ट देखा है जो सीन में फिट हो जाए, जैसे पता भी ना लगे कि भाई पिक्चर एक्सटेंड की हुई है, तो कंटेंट अवेयर ये करता है। अगर आपने ऐसे करना, ये अगर आप किसी बंदे पे करेंगे ना तो उसका ऑब्वियसली मुंह खराब हो जाएगा। ये बैकग्राउंड के लिए लग लैंडस्केप्स रहा के है, लिए होता ये ज्यादातर बैकग्राउंड के लिए होता होगा जो इजी हो कि हम इस साइड से उधर कर सके। किधर गया वो? यार सर मैं संभाल के रखता हूँ, पर चली गई ये जाती है ये है। देखना जरा वही वाला है, है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन। बना किस डायमेंशन के लिए और किस काम के लिए हो? या टारगेट क्या था? फेसबुक कवर फेसबुक कवर है। तो फेसबुक कवर के लिए आपकी डायमेंशन ही ठीक नहीं है। वो तो लग बात है, वो तो उसका हम कर वाइट एंड लेंगे। वाइट नहीं है ये तो। चेक कर वाइट एंड वाइट डेवलप लीड कर रहा तेरा क्या डेवलप लीड हो रहा है आपका वाइट एंड वाइट क्या ये मतलब? वाला लीड हो रहा है। तो मैंने बता दिया ये वाला हो रहा है ये वाला जैसे मैंने बताया था ये ज्यादा बेटर है। अच्छा दूसरे वाला दिखा दूसरे वाला ठीक नहीं है। इसमें तो गलती से दिक्कत ही होगी ना। ठीक है अब पहले वाले में आपका मैं बताता हूँ। फेसबुक कवर की जो डायमेंशन है ना चेंज हो गई है। आप इतना बड़ा नहीं कवर ला सकते। यार वो तो हो जाएगा ना, उसकी डायमेंशन वो हो जाएगा। डायमेंशन चेंज किया टेक्स्ट एरिया चेंज हो जाना था इसका टेक्स्ट नहीं ही नहीं नहीं होगा। होगा, टेक्स्ट को कुछ नहीं होता क्योंकि डिमेंशन अगर अगर यही है ना, ओरिएंटेशन जो है इसकी यही है तो फिर कुछ नहीं होता। बाबे ओरिएंटेशन आपकी इतनी हो जाएगी इतने में आपने इतना टेक्स्ट एडजस्ट करोगे रीड कहाँ से होगा? है कितना चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर उस पे लगा के दिखा फिर
थैंक यू। नन्ही थी, ये तो बहुत काम है यार। मैं आपको बताता हूँ, मैं जान इसमें दिखाई नहीं देगा फटक से, अभी फेसबुक अवेयर का मिश्रा दूँ इधर। 823 12 है ना, 823 12 12 भाई है, बहुत से आ रहे हैं अलग अलग। नहीं, ये नहीं है, ये वो जो है ना क्या इंस्टा का बैनर है बस, मतलब कि यूट्यूब के बैनर का डबल है, लिंक्डइन लिंक्डइन के जैसा है, का डबल है विथ में। इतना पतला। ओए ओए, फिर तो गया। मैं बता रहा हूँ, फिर टैक्स नहीं चलेगा आपका फेसबुक रिकवर के लिए। आते हैं आपके बॉस ने कहा टैक्स डालो, टैक्स ना डालो, आईफोन डालो या बटन डालो उसके। एग्जांपल आप यूएक्स यूएक्स डिजाइन करते हो तो बटन डाला, उसके ना यूएक्स यूएक्स डिजाइन का एलिमेंट डाल दिया आपने, गेट कर लो। बबल्स में खेल लो, बटन में खेल लो, बट पूरे वो टैक्स डालोगे तो वो रीडेबल नहीं ये किधर रहेगा। काम आएगा फिर? इसके लिए मैं मशा को यहां तो इसकी पोस्ट बना दूं सोशल मीडिया पे, लग तो मुझे ये रहा, क्योंकि आगे तो इसका और कोई इसकी काम सोशल मीडिया की पोस्ट अच्छी बन जाएगी फेसबुक पे। इसका आधा हो गया ना, मतलब कि हां जी हां जी हां जी, इस साइज का पूरा आधा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेंथ ठीक है आपकी, लेंथ का मसला नहीं मिला, वेट का इशू है, वेट ही होगी ना। देख हाइट है, वही मैं देख रहा हूँ कि फिर तो कोई मसला है। क्या उल्टा हो गया आपकी हाइट का इशू है, वेट आपकी ठीक है, देख रहा हूँ। अब ये फ्रेम टूल है, दिल तोड़ दिया यार। अरे नहीं, आप टेंशन नहीं, आप सही हैं, आपको दिखाएंगे। नहीं, वो 100 पता लग रहा है, 3 घंटे की मेहनत जाये हुई है। अच्छा, फ्रेम टूल आपने वही है कि जो फ्रेम अगर आपने नहीं पोज बनानी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं होते ही यूज होती है, जहाँ पे आपने थोड़ी बहुत जहाँ पे इमेजेस लगी होती है। यार या तो चार्जर आप लोग ला रहे हैं यार, आप लोग चार्जर आप अपनी साइड से लगा लो, हमारी बिजली यूज कर रहे हो ये नहीं, तो और किसका कह रहे हैं? लग गया ना, हम झूठ बोल रहे हैं असल में ना। अब लगा ना, अब नहीं करेंगे, अब वो तंग नहीं करेगा। ब्राइटनेस कम करते हैं, बैटरी लो नहीं होती, नहीं नहीं करते हैं ब्राइटनेस ज्यादा, जैसे ये मैं ये पीछे है। ब्राइटनेस ना सिर्फ 20 का रखते हैं, करता हूं मेरा 3 घंटा राउंड लगा देता है ये उस पिक्चर में ना फ्रेम कर देगा, जैसे कि अगर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो उसके अंदर ये इमेज ले आएगा खुद ब खुद। अब कई बार होता है कि फ्रेम करने से किसी भी शेप में एडजस्ट कर देगा। अब उसकी जो थी भाई शेप इस तरह करके थी जो मैंने गोल आपको देने का बात दिखाया, किया था, गोल देने का अब वो खुद ही बात इसमें करने की बात नहीं, एडजस्ट कर करने की देगा बात नहीं, करने पिक्चर को या इमेज। मैं तुम दोनों से क्या अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, मैं ऐसी गलती तो मैं सोच भी ना करूं, वो बना दिया ऐसा बना दिया आज तक ये बात तो पक्की होगी। ठीक है, और इसमें एक और शेप है वो सर्कल में या आई ड्रॉपर है, कौन सा भी कलर आपको अच्छा लगे, यहाँ से पकड़े, यहाँ से कलर बोर्ड लें, कंट्रोल सी करें जिधर आपने पेस्ट करना चाहते हैं। मैं नया कैनवास खोल लेता हूँ, मुझे इसका बैकग्राउंड में चाहिए, या तो आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है या वैसे करें वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया ये वाला कलर, कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी जो बैकग्राउंड पे था ना वो कलर, अब मैं फोरग्राउंड पे ले आऊँ, मैं यहाँ से इसका स्कैन कर लेता हूँ।
अब पहले तो मैं स्किन वाला करता हूँ क्योंकि फोरग्राउंड के लिए यूज होती है ये वाली की होती है, और तो डिलीट हो गई। और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल डिलीट कर। वैसे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैंने इसकी बात की पता होता है। अच्छा उसका एक बात नहीं कर रहे हैं। अगर इलस्ट्रेटर, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लूँ, जैसे अब ये स्किन वाला है, अब इलस्ट्रेटर में होता है कि ऐड ऑफर से आप कलर सेलेक्ट करो तो वो, अगर आप नए इसमें जाओगे ना तो उसके दूसरे कलर होंगे, जैसे यहाँ पे ब्लू है, अब इसमें जाऊँगा इसमें यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सेम चलता है, मैं दूसरे कैनवस पे भी चला जाऊँ तो उसके कलर बिल्कुल सेम चलेंगे। अब इसे इलस्ट्रेटर के लिए यूज होता है, आई ड्रॉपर यूज कर रहे हैं, ऐसे आपने कर लिया। अब यहाँ से आप इसका कॉपी कर लेंगे और हम इधर यहाँ पे आके इसको डबल सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर वो वही कलर आ जाएगा। इसका फायदा जब आप यूज करते रहेंगे ना फिर आपको पता लगेगा, मतलब कि आपको कई ऐसी जगह पे जरूरत पड़ जाती है जो आपने का कलर यही सेम उठाना है तो आप दो चीज पड़े ना करें मौसम भाई जॉयस्टिक से है यार। या यार इंडिया आज इतना काफी है और